बाइक लगा दिए मंदिर में, जूते उतार दिए, अब जा रहे हैं जी जरा प्रसाद लेने। प्रसाद लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो यार प्रसाद तो ले लिया है और शाम ढल रही है धीरे धीरे, प्रसाद ले चुके हैं, अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर। देखते हैं कहाँ तक कैमरा अलाउड है, जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वहाँ तक दिखाऊँ ज़रूर। तो ये है जी मंदिर का एंट्री गेट, यहाँ से आपको एंट्री करनी है, एग्जिट भी यहीं से है, लेकिन आप एंट्री इधर छोटे गेट से करनी है आपको। गाइस ये है पूरा मंदिर के अंदर से प्रांगण, मैं 60 FPS पे लेता हूँ। ओके तो यहाँ से हमने एंट्री करी है, एंट्री करते ही हम यहाँ से सीधा इस तरफ आए हैं और हम सीधा जाएंगे ये महादेव के मंदिर में। यहाँ पे महादेव का मंदिर है, महादेव को माथा टेकेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से ऐसे बाहर आएंगे, वहाँ से अंदर घुसेंगे एक मंदिर में और उस मंदिर के अंदर से एंट्री करके हम दर्शन करते हुए फिर जैसे लोग यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और ये इस गेट से अंदर जाएंगे। उस गेट से अंदर जाने के बाद फिर हमारा एग्ज़िट होगा पीछे की तरफ से, और पीछे की तरफ वहाँ पे एक माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे माता रानी के दर्शन करके हम ऐसे ही घूम करके पूरा मंदिर के दर्शन करते हुए और यहीं से बाहर निकलेंगे। चलिए महादेव के दर्शन करें। यहाँ पे नंदी महाराज है, ठीक सामने महादेव है। अच्छा जी, तो जी यहाँ नंदी महाराज बैठे हैं, ठीक यहाँ पे इसके पीछे शिवलिंग है, उसके पीछे महादेव की मूर्ति है, बट वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने आप लोगों को वीडियो में महादेव तो दिखाई दिए। चलिए यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं, अंदर भी शायद अलाउड नहीं होगा कैमरा, देखते हैं अलाउड होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। मैं तो ये है एंट्री, अच्छा फ़ोटो लेना मना है, मना कर दिया। चलिए तो हम लोगों ने वहाँ से एंट्री करी थी, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ सामने प्रभु श्री राम है, यहाँ पे यहाँ राम जी का मंदिर है, यह हनुमान जी का मंदिर है और इस तरफ श्री कृष्ण जी का मंदिर है। अब हम माँ कात्यायनी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यह है मेन मंदिर माँ कात्यायनी का, अंदर फोटो नहीं बनाने, अंदर फोटो नहीं खींच सकते इसलिए अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे हम। चलिए जी यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं, माता के दर्शन हो गए काफ़ी अच्छे, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने वीडियो नहीं बनाई है, मैं फ़ोटो डाल दूंगा। बाकी पूरा मंदिर का प्रांगण ये है, यहाँ काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। यहाँ अंदर एक काफ़ी बड़ा मंदिर है लेकिन अभी दरवाज़ा उसका बंद है, छोटा वाला दरवाज़ा खुला है, दोनों यहाँ से जाने देंगे नहीं जाने देंगे, बट निकलेंगे कहाँ से देखें, कोशिश करें, नहीं बंद है, पूरा बंद है। इधर एक मंदिर है पूरा का पूरा, अंदर माता रानी की बहुत प्यारी सी मूर्ति है, तो हमें यहीं से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि उधर बंद है। और इधर माता रानी के बैठक और शयन कक्ष बनाए गए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जिन्होंने मंदिर बनवाया था। ओके यहाँ पे मंदिर के अंदर बनाया गया था माता रानी का बैठक कक्ष, जिसमें कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 दुर्गा 9 चेयर्स। यह है बैठक कक्ष माता रानी का और यह है शयन कक्ष, यहाँ माता रानी रात में शयन करती हैं। यह माता रानी के सजने की जगह है, यहाँ पे ये पालकी, ये माता रानी का बेड, और यह है बाबा नागपाल जी जिन्होंने माता रानी को सिद्ध किया था और ये माता रानी का मंदिर बनवाया था। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मेन जब भी यहाँ पे मंदिर में कोई भी बड़ा कीर्तन भजन सब कुछ भी होता है वो यहीं पे होता है इस हॉल में, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है ये। यहाँ पे हमारे पंचमुखी हनुमान जी हैं, जय बजरंग बली। सॉरी अगर मेरा हाथ ज़्यादा हिल रहा है तो। यहाँ पे पूरा राम दरबार बना रखा है, बचपन में हिमांशु की फ़ोटो मेरी इसके साथ में, शेर के साथ में। यहाँ बजरंग बली की मूर्ति है, आगे आपको और दिखाते हैं। यहाँ आगे ये हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर है हनुमान जी का एक, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ लेफ्ट में पहले कालका मैया की थी, वैष्णो देवी, हाँ यहाँ पे जय माँ वैष्णो देवी, और ये बजरंग बली यहाँ बैठे हैं और यहाँ बजरंग बली का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है इधर। साढ़े 6 बज रहे हैं और अपने दर्शन तो अंदर हो चुके हैं अच्छे से, एक और मंदिर पीछे है, देखते हैं उसके अंदर एंट्री, क्योंकि हम मेजरली जो आए थे वो शो के लिए आए थे, लेज़र शो, एक बार देखता हूँ टाइमिंग।
शायद से मेरा दिल टूटने की खबर आई है, आप लोगों को भी आवाज़ आई होगी बड़ी तेज़, क्योंकि अभी मैंने गार्ड भैया से पूछा कि लेज़र शो कितने बजे शुरू होता है, तो गार्ड भैया ने मुझे बताया कि लेज़र शो आज होगा ही नहीं। तो मेरा पप्लू कट चुका है। हिमांशु भाई साहब ने गूगल पे चेक किया था, गूगल ने बताया कि लेज़र शो जो है वो 7 बजे होता है, लेकिन इन्होंने बोला सिर्फ मंगलवार को होता है। चलिए बाकी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे। वैसे अगर लेज़र शो ना देखना हो तो फिर ये मंदिर दिन में घूमने लायक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे शेरों की प्रतिमा बनाई गई है, यहाँ कमल के फूल पे माँ लिखा है, और वो रहा मंदिर जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा था। यहाँ पे सारे हवन कुंड और ये सब हैं, हवनशाला यज्ञशाला यही सब बना रखा है इस तरफ, और वो मंदिर है। चलिए मंदिर की तरफ चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस इस मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर जा कर के म्यूज़ियम है एक। मैं एक्चुअली म्यूज़ियम विज़िट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं सीधा, ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको, इसलिए मैं सीधा इस मंदिर के अंदर चलता हूँ। इस मंदिर के अंदर आपको दिखाता हूँ ये कितने बड़े बड़े यहाँ पे शेर रखे हैं। चलिए यहीं पे जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे हमें, यहाँ पे चप्पल जूते उतारते हैं अपने और फिर अंदर चलते हैं। वैसे जो मंदिर है ये मेजर ली, ये बेसिकली है गणेश जी और लक्ष्मी जी का, आप देख सकते हैं शायद अंदर वीडियो ना बनाने हैं तो इधर गणेश जी हैं, इधर लक्ष्मी जी हैं, अगर अंदर वीडियो बना सके तो बनाएंगे। अंदर तो हम एंटर हो गए हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल मुझे मंदिरों में बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए हम सब बाहर खड़े हैं और यहाँ वीआईपी अंदर पूजा कर रहे हैं। ये भी मेन मंदिर भी हुआ था। देखिए तो बच्चों के लिए पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। देखो बच्चों शेर पे चढ़ रहे थे, अलग ही लेवल। यहाँ से हनुमान जी नजर आ रहे हैं जिनके लिए हम आए थे, लेकिन पता लग रहा है कि लेज़र शो नहीं होगा। मेरा तो दिल टूट गया। क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही यार। सैटरडे को एक्चुअली पंगा ही होता है ना। सैटरडे का इशू ये है कि सैटरडे मेरा होता है ऑफिस। अब ऑफिस से यहाँ होता है 7 बजे लेज़र शो, 8 बजे और 9 बजे लेज़र शो, तीन बार होता है, 10-10, 15-15 मिनट का होता है, हर एक घंटे के बीच में 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। अब चक्कर यह है कि उस टाइम पर मैं ऑफिस में होता हूँ, आना मुश्किल है। चलिए देखते हैं। मेन यही दो मंदिर थे, इसके सामने ठीक सामने जो है एक और मंदिर है जिसमें महादेव का त्रिशूल गड़ा है। अड़ुनो कब तक खुला होता है, क्योंकि टाइम अभी हो चुका है 6:40। अब देखते हैं, वहाँ पे भी अंधेरा हो ही चुका होगा। क्वालिटी आप देखिए तो वीडियो कितनी गंदी आनी शुरू हो गई है इतनी अंधेरे में। तो देखते हैं जी क्या हो सकता है, दिखाते हैं आपको जितना दर्शन करेंगे इस पर घर चलेंगे। तो वह शायद थोड़ा सा हाथ कांपेगा मेरा, थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये अभी हम इधर से एक और मंदिर के अंदर घुसे, एंटर हुए, ये सामने महादेव मंदिर बता रहे हैं, गौरी महादेव मंदिर है, यहाँ पे भी एक मंदिर है, और सामने जो हनुमान जी का मंदिर है जहाँ हम लेज़र शो देखने आए थे, जो कि आज नहीं हो रहा है, मंगलवार को ही होगा। तो भाई साहब कह रहे हैं कि 15 मिनट में मंदिर बंद होने वाला है, अगर आपको हनुमान जी के दर्शन करने फटाफट जाओ। तो क्वालिटी आप देखिए कितनी गंदी आ रही है। इतनी दूर आए हैं, अब लेज़र शो हो या ना हो भाई दर्शन तो करके जाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इनका पीछा। बुलाए हैं इतनी दूर, जब बुलाए हैं बहुत ही गंदी क्वालिटी आ रही है आई नो, पर जब बुलाए हैं दर्शन भी देंगे और आप सभी को दर्शन करवाता हूँ, आप सभी को हनुमान जी का आशीर्वाद दिलाता हूँ। कमेंट कॉल में भर भर के लिख दो जय श्री राम, आया माता रानी का मंदिर हूँ बट हनुमान जी के दर्शन है, लिखो कमेंट में जय श्री राम। लो जी पास से दर्शन करो। तो ये हम हनुमान जी के ठीक चरणों के नीचे आ चुके हैं, और देखो ऊपर तक एक फ्रेम में आएंगे भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा दूर आया हूँ। अब ये देखिए पंडित जी कितने बड़े लग रहे हैं उनके चरणों के आगे।
चलिए जी, अब ये एक शॉट ऐसे पोर्ट्रे में आएगा मेरे वीडियो में, जिसमें कि एक्चुअली हमें हनुमान जी की तीन परिक्रमाएं करनी होती है, 3, 5, 7, आप जितनी भी करना चाहें। मैंने अपनी 3 कर ली हैं, अब मैं आप लोगों के साथ एक परिक्रमा और कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। अपने मन में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जाप करें और मैं एक चक्कर लगाऊंगा, एक परिक्रमा करूंगा, आप सभी उसको 3 से 4 बार या 5 बार 7 बार जितनी भी बार चाहें रिपीट करके देखें और मन में जय श्री राम 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 करते रहें। जय श्री राम। अच्छा, मैंने एक एंगल तो भी देखा ही नहीं, जब मैं इस एंगल से वीडियो बना रहा हूँ, अब आप चंद्रमा को देखिएगा कहाँ है, ठीक बजरंगबली के ऊपर है चंद्रमा, ठीक बजरंगबली के ऊपर, वो देखिए। एक राइट से हटके एक स्पिरिचुअल व्लॉग बन गया है ये, क्या जो आप लोग देख रहे हैं, आपने से भी किसी के साथ ऐसा होता है कि आप जैसे हनुमान मंदिर या किसी मंदिर में जाते हैं, आप जाते तो एक मिनट के लिए वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाने के बावजूद आपका वहाँ से हिलने का मन नहीं होता। अभी मेरे साथ यही हुआ है, मैं काफ़ी देर से वीडियो बन गया, एक आप लोगों के साथ परिक्रमा लगा ली, उसके बाद एक अंकल जी मिले, मैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर के हनुमान जी को देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, फिर इतनी देर बातचीत हुई है ना अंकल से, अब फाइनली मंदिर बंद होने का टाइम हो गया तो हमें गार्ड ने भगाया वहाँ से, मैंने हम दोनों वहाँ खड़े होकर के सिर्फ देख रहे थे हनुमान जी को, ये भी उनकी लीला है। अच्छा, एक एक्सपीरियंस और अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो जब मैं राम मंदिर की लाइन में लगा था, एक्चुअली कैमरा नहीं था मेरे पास, मेरे को अभी भी सोचता हूँ तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं, रामलला की मूर्ति देख करके ना रोना आ गया था एकदम से, मतलब इतना अच्छा लगा था एकदम से, जैसे कहते हैं ना आँखों में आंसू आ गए थे तुरंत, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब अभी रो पड़ूंगा। चलिए, सब उन्हीं की इच्छा है, वो जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ के ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ का आपको दिखाएंगे। अभी निकल रहा हूँ मंदिर प्रांगण से बाहर, देखते हैं अगर कुछ देखने को मिला तो दिखाएंगे, नहीं तो घर चलते हैं। तो ये वॉक करते करते हम आ गए संत नागपाल जी के समाधि स्थल पे, यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी, ये पूरा समाधि स्थल है, अंदर उनका विग्रह भी है, सामने माता रानी की भी वो है मूर्ति। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं, ये शिव गौरी नागेश्वर मंदिर भी है, ऊपर महादेव भी हैं, चलिए आपको दिखाते हैं जहाँ तक दिखा सके। तो इस मंदिर के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर वाले प्रांगण में बाबा नागपाल जी की समाधि है और उनकी मूर्ति है, वहाँ पे आरती चल रही थी तो अब वहाँ लिखा था कि मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, मैं ऊपर की तरफ भाग गया महादेव के दर्शन देखने, महादेव के दर्शन करने, देखने नहीं। तो ये है जी महादेव के दर्शन आरती करिए, इसमें ऊपर से जाके जल चढ़ाया जाता है, इतने ऊँचे महादेव हैं। हर हर महादेव। चलो जी, अंदर से महादेव के दर्शन तो हो गए, यहाँ देखेंगे जगह जगह पे अलग अलग चीज़ें बनी है, जैसे यहाँ पे हाथी बना है, आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पे बीच में शंख बना है, भाई साहब दरवाज़ा देखो कितना बड़ा है, बाहुबली मूवी में जो दरवाज़ा था, ताला देखो, एक बच्चे के जितना बड़ा तो ताला ही है, जितना बड़ा बच्चा कूद रहा है। यहाँ बना है एक शंख और सामने बना है त्रिशूल, अब ये त्रिशूल जो है वो एक कश्यप यानी कि एक कछुए की पीठ पे बना है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे कछुआ बना हुआ है पूरा और ये उसके ऊपर महादेव का त्रिशूल है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ चल रहा है इस पर। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का वक्त आ गया है, अब देखते हैं कि मैं घर पे आ चुका हूँ और उसके बाद मैंने ये एंडिंग शूट करी है। तो एक्चुअली ये सबसे लास्ट मंदिर का लास्ट जो हिस्सा होता है महादेव का त्रिशूल, वो मैंने आपको दिखा दिया, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि इसके बाद मैंने बाइक उठाई थी और मैं सीधा घर आ गया था। चलो जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का वक्त आ गया है, घर पहुंच चुका हूं और काफ़ी थक गया हूं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यहां तक बने हुए यहां तक वीडियो देख ली तो लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाना और कोई एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन लव यू गाइस, बाय बाय।